Assalamualaikum viewers, आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट एंड सावर चिकन। और स्वीट एंड सावर चिकन के लिए जो चीज़ें चाहिए हैं उसमें सबसे पहले चिकन है, जो हमने 2 ब्रेस्ट लिए हैं बोनलेस, उसको हमने क्यूब्स में काट लिया है। उसके अंदर हमने 1 टीस्पून काली मिर्च डाली है, 1 टीस्पून हमने कुटी मिर्च डाली है, हसबे जायका नमक डाला है। अगर आप मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो उसमें आप सिराचा सॉस भी डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून हमने सोया सॉस डाला है। और अगर आप मिर्ची नहीं खाते तो सिराचा सॉस डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम मैरिनेट कर देंगे 15 मिनट के लिए, अच्छे से हाथों से मिला के खूब अच्छे से मिक्स कीजिए और उसको छोड़ दीजिए। अब इसकी कोटिंग के लिए 1 कप मैदे में थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा नमक डालकर मिक्स करके रख देंगे। और उसके बाद फिर इसके अंदर चिकन की क्यूब्स जो काट के मैरिनेट करके रखी थी उसको उसके अंदर मैदे में कोट करेंगे। और फिर एक अंडा लें, उसको फेंट लें और फिर उसके अंदर कोट करेंगे और एक प्लेट में आप उसको रख लें। उसके बाद फिर या तो फिर डायरेक्ट ही फ्राई पैन में ऑयल गर्म करें, मीडियम गर्म करना है और मीडियम आँच पर ही वो बनेगी, क्योंकि पोटियाँ कच्ची हैं, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। पहले फ्राई पैन की ऑयल गर्म हो जाए इतना मीडियम, तो फिर उसके अंदर हम ये पोटियाँ फ्राई कर लेंगे और उसको मीडियम ही आँच पे बनाएंगे। अब हमने यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लिया है, उसकी मीडियम आँच पर इसको रख दिया था चूल्हे पे। तो और फिर अब इसमें हमने ये चिकन की जो चिकन ब्रेस्ट बोनलेस की जो मैरिनेट करके इसको कोट करके रखा था, इसको फ्राई कर रहे हैं। इसको धीमी मीडियम आँच पर ही फ्राई करेंगे ताकि अंदर से बिल्कुल गल जाए और क्रिस्पी भी हो। अब यहाँ पे ये जो है फ्राई हो चुकी है, इसको मैं बाहर निकाल रही हूँ। ये बिल्कुल ब्राउन और क्रिस्पी सी है और अंदर से गल भी गई है। जब तक ये दूसरी चिकन की मैरिनेट हुई हुई बोटियाँ जो हैं, क्यूब्स जो हैं, वो फ्राई होते हैं, जब तक हम इसकी सॉस बना लेते हैं। सॉस बनाने के लिए 5 कप पानी लिया है सबसे पहले। इसके अंदर यखनी बहुत अच्छी लगती है, अगर यखनी हो तो यखनी यूज़ कीजिएगा, 5 कप यखनी यूज़ कीजिएगा। और नमक देख के डालिएगा फिर यखनी में, अगर नमक डाला हुआ हो तो बल्कि डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर केचप, सोया सॉस और बहुत सारी चीज़ें जाएंगी। हमने भर कर 1 कप जो है इसके अंदर केचप डालेंगे। और इसके अंदर शुगर जाएगी 1 टीस्पून, काली मिर्च जाएगी 1/2 टीस्पून और सिराचा सॉस जाएगा 1 टीस्पून और विनीगर जाएगा 1 टेबल स्पून। और इसके बाद इसके अंदर नमक हसबे ज़रूरत डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर सोया सॉस जाएगा और केचप वगैरह है, और सोया सॉस इसमें हमने 1 टेबल स्पून डाला है। और उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर सिराचा सॉस नहीं है तो इसमें आप कुटी मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर मिर्ची खानी है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा और केचप डाला टेस्ट के लिए, इसको अच्छे से हिला। अब जब ये मिक्स हो गया है और जब इसके अंदर बॉईल आने लग जाएगा तब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। सब्जियां आप अपने पसंद की भी डाल सकते हैं, कोई भी। मैंने इसमें मशरूम और बेल पेपर यूज़ किया है थोड़ा थोड़ा, और पाइनएप्पल के चंक्स डालूंगी। स्वीट एंड सावर है तो थोड़ा सा स्वीट होना चाहिए, थोड़ा सावर होना चाहिए, और बच्चों को बहुत पसंद होता है पाइनएप्पल, तो वो पाइनएप्पल और पाइनएप्पल का जूस भी डालूंगी। और मशरूम और बेल पेपर भी डाले हैं थोड़े, मशरूम्स में विटामिन डी बहुत होता है, और जिनको विटामिन डी की कमी है वो ज़रूर अपने खाने में मशरूम्स को शामिल करें। अब इसमें पाइनएप्पल जा रहा है, आप इसमें अपनी मनपसंद सब्जियां भी डाल सकते हैं और सब्जियां भी डाल सकते हैं, जिसमें ग्रीन अनियन और कैरेट ये सब भी डाल सकते हैं। अब जब इसके अंदर अच्छे से बॉईल आ जाएगा, सब्जियां डाल देंगे, क्योंकि सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है,
क्योंकि सबसे उसकी जो है फादियत ख़त्म हो जाएगी। बस इसके अंदर एक बॉयल आएगा तो फिर मैं इसमें कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर जो है थोड़े से पानी में घोल करके इसके अंदर डाल दूँगी और इसको कॉर्नफ्लावर को थोड़ा 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 मिक्स के मिक्सचर को जो है कॉर्नस्टार्च को जो है डालते हुए थोड़ा थोड़ा हिलाते जाना ताकि वो मिक्स होता जाए, एकदम से जम नहीं जाए। एकदम से सारा डालेंगे तो अजीब सी गुठलियाँ बन जाती हैं, तो हिलाते हुए इसको डालें और इसको बनाने की उसको और पकाएं तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो ये रेडी हो जाएगा। मगर इसके अंदर एक चीज़ की कमी है चिकन की, वो अभी जो हमने फ्राई करके रखी थी साइड पे, पहले इसको बॉयल आने दें फिर उसके बाद हम इसके अंदर वो चिकन डालेंगे। और साथ साथ अगर देख लें, अगर आपको तो और ज़्यादा गाढ़ा चाहिए, ये इसकी जो है थिकनेस इतनी है, अगर आपको और थिकनेस चाहिए तो थोड़ा सा हाफ़ टेबल स्पून और कॉर्नफ्लोर डाल दीजिएगा, लेकिन उससे ज़्यादा कॉर्नफ्लोर डालने से बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने थोड़ा सा जूसी सा रखा है। अब हम इसके अंदर चिकन डाल रहे हैं जो हमने फ्राई की थी, क्योंकि ये जो है ये राइस के साथ और नूडल्स के साथ खाया जाता है, बहुत मज़े का लगता है। तो इसको थोड़ा सा इतना गाढ़ा, क्योंकि अभी इसमें चिकन जाएगी तो ये ऑलरेडी गाढ़ा होगा, ठंडा होगा तो ऑलरेडी का और गाढ़ा होगा, तो इसलिए इसमें 2 टेबलस्पून बहुत है कॉर्नफ्लोर। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको और अच्छा और ज़्यादा थिक चाहिए तो थोड़ा सा मामूली सा और डाल सकते हैं। अब ये हमारा रेडी हो चुका है। इसको 5 मिनट तक बॉईल देके इसको बंद कर देंगे चूल्हा, और अब ये हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस मिल सकें, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिए। अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।